दिवाली बच्चों का पसंदीदा त्योहार है। यह उनको फटाकों के साथ साथ जश्न मनाने का भी मौका देता है। दिवाली अश्विन के चंद्र मास के अंतिम दिन मनाई जाती है, जो ज्यादातर नवंबर के आसपास आती है। दिवाली के साथ जुड़ी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि प्रभु राम ने रावणासुर को मार के इसी दिन अयोध्या में वापसी की थी। विष्णु के वामन अवतार द्वारा बलि चक्रवर्ती की हार भी इसी दिन हुई थी। लेकिन सबसे लोकप्रिय और ज्यादा दिलचस्प कहानी नरकासुर की है। नरकासुर वराह नामक विष्णु अवतार और पृथ्वी माँ से पैदा हुआ था। जब नरकासुर में राक्षस के लक्षण सांप दिखाई दे रहे थे, तब पृथ्वी माँ को डर लग रहा था कि भविष्य में भगवान विष्णु उसको मार डालेंगे। तब पृथ्वी माँ ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की और उनके हाथों नरकासुर का मृत्यु न हो ऐसा वचन लिया। तब भगवान विष्णु ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुमको एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई भी नरकासुर को मार नहीं सकता। यह सुनके पृथ्वी माँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनको विश्वास था कि अपने हाथों अपने ही बेटे को वो कभी भी मार नहीं सकती। समय के साथ साथ नरकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया, यहाँ तक कि इंद्र भी नरकासुर के हाथों हार गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने उनको भरोसा दिलाया कि नरकासुर का अंत जल्द ही होने वाला है। जल्द ही भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में और पृथ्वी माँ सत्यभामा के रूप में पैदा होंगे। इसी बीच नरकासुर का अत्याचार और भी बढ़ गया। वो ऋषियों को सताने लगा और राजाओं को चुनौती देने लगा। ऐसे ही एक मौके पर उनका सामना खुद श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण को पता था कि नरकासुर का मृत्यु पृथ्वी माँ के हाथों होने वाला है, इसीलिए जब सत्यभामा ने लड़ाई देखने की कामना की तो उन्होंने इनकार नहीं किया। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई जमकर चली। थोड़ी देर के बाद नरकासुर ने अपने हथियारों के साथ श्री कृष्ण को बेहोश कर दिया। तब सत्यभामा खुद नरकासुर के सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गई। वह बड़ी हिम्मत के साथ उससे युद्ध करने लगी और अपने तीर को सीधा नरकासुर पर चलाया। अंत में नरकासुर को सत्यभामा के हाथों मरना ही पड़ा। इसी दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और अगले दिन पर लोगों ने दीप और फटाकों के साथ इस अवसर को मनाया। दिवाली का अर्थ ही दीपों की पंक्तियां है। दिवाली सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि जैन और सिख लोग भी अपने अपने कारण इस त्योहार को मनाते हैं। जैनों के आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर का निर्माण भी इसी दिन हुआ था। इस दिन पर लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन लक्ष्मी देवी अपने भक्तों के घर आती है। दरअसल दिवाली का दूसरा नाम ही लक्ष्मी पूजा है। मारवाड़ी लोग भी इसी दिन पर लक्ष्मी पूजा करने के लिए बहुत महत्व देते हैं। यहाँ तक कि उनका नया साल भी दिवाली के साथ ही शुरू होता है। दिवाली के दिन हर कोई जल्दी उठता है, सिर से स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट मिठाई के साथ अपना दिन बिताते हैं। घर में छोटे बड़े श्रद्धा के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सूर्यास्त में दीपक जलाते हैं और तब फटाके भी फोड़ते हैं। अमावस की अंधेरी रात दिवाली पर जलाया दीपक के साथ चमक उठता है। दिवाली के आतिशबाजी से सर्दियों की ठंड कम होती है और उस समय पैदा होने वाले कीड़ों को मार देती है। दिवाली की रात जब गाढ़ी हो जाती है और फटाकों का शोर कम हो जाता है, अगले वर्ष की दिवाली तक रहने वाली खुशियां लिपट के बच्चे अपने बिस्तर पर सो जाते हैं।